प्रेम बहुत देर तक बस खड़ा खड़ा देखता रहा। कुछ लोग उसकी शॉप के सामने से भी निकले, लेकिन उनका इंटरेस्ट कुछ वैसा नहीं था जैसा बाकी शॉप्स पर जाकर होता था। वो लोग शायद अभी उसके रेस्टोरेंट में नहीं आना चाह रहे थे। उसे खुद पर डाउट होने लगा कि अब वो शायद ही 1000 प्लेट 10 दिनों में बेच पाएगा। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो अब मिशन कैसे पूरा करेगा, और अगर मिशन पूरा नहीं हुआ तो उसकी स्ट्रेंथ 5% से कम कर दी जाएगी। सिस्टम इसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। प्रेम रेस्टोरेंट के अंदर चला गया, टेबल साफ की और प्लेट धोने के लिए किचन में गया। रिया काउंटर के पास एक लंबी सी कुर्सी पर बैठी थी। वो बैठी बैठी अपने हाथों से आग निकाल रही थी और उसे खेल रही थी। वो बीच बीच में कुछ मंत्र भी पढ़ रही थी। रिया को अपना मैजिक करने में बहुत मजा आ रहा था। अब उसे अपने पापा से कोई भी चीज हाइड करने की जरूरत नहीं थी। उसके पापा उसके मैजिक करने पर बिल्कुल भी एंग्री नहीं हुए थे, बल्कि उन्होंने तो उसे मैजिक सिखाने का प्रॉमिस भी किया था। किचन में सारा काम फिनिश करने के बाद प्रेम बाहर आया। उसने देखा कि कोई भी उसके रेस्टोरेंट में नहीं आया है, तो उसने एक कुर्सी उठाई और रिया के बगल में बैठकर उसका आग वाला मैजिक देखने लगा। पापा, अगर मैं एक आग की फायरबॉल बाहर फेंकती हूं तो क्या यह पावरफुल मैजिशियन जैसा कुछ लगेगा? रिया ने पूछा। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, प्रेम ने तुरंत हाथ हिलाते हुए कहा। उसे पता था कि भले रिया की आग से रेस्टोरेंट नहीं जलेगा, लेकिन उससे कुछ टेबल कुर्सियां जरूर जल सकती हैं, और जैसा सिस्टम का बिहेवियर पैसों को लेकर है, उससे काफी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उनके पास अब बस 2700 कॉपर के सिक्के ही बचे हैं और इतने से पैसों में वह रेस्टोरेंट भी रिपेयर नहीं कर पाएंगे। प्रेम पहले ही 3000 सिक्के पे लीटर की पॉलिसी पर ले चुका है, तो अब सिस्टम उसे और पैसे भी नहीं देगा। आप चिंता मत कीजिए पापा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। रिया ने प्रेम का नर्वस फेस देखा और जोर जोर से हंसने लगी। उसने अपने हाथ झटके और तुरंत में फायरबॉल गायब कर दी। वो अब ये काम करने में थोड़ी थोड़ी मास्टर हो गई थी। वो जब चाहे फायरबॉल बना सकती थी और जब चाहे उन्हें गायब भी कर सकती थी। प्रेम ने थोड़ी राहत भरी सांस ली। उसने रिया के क्वेश्चन के बारे में सोचा और फिर कहा, बेटा अगर तुम फायरबॉल बाहर फेंकती और वो एक टारगेट में जाकर लगती है ना, तो वो रियल मैजिशियन जैसा कुछ होता। रिया ने सर हिलाया जैसे वो इस बारे में बिल्कुल भी श्योर ना हो, और कहा, मैं अभी शायद ऐसा नहीं कर सकती, मुझे भी बहुत सीखने की जरूरत है, लेकिन अगर मैं सीख लूंगी तो शायद ऐसा कर पाऊं। बेटा तुम चिंता मत करो, जब तक तुम्हारे लिए एक अच्छा मास्टर नहीं मिल जाता तब तक मैं तुम्हारे साथ प्रैक्टिस करूंगा। तुम अभी फायरबॉल बना सकती हो एंड ये बहुत अमेजिंग है, क्योंकि ये तुमने खुद से लर्न किया। तुम आगे चलकर और भी मैजिक कर पाओगी, मुझे इस बात पर पूरा यकीन है। तुम बहुत टैलेंटेड हो, हर किसी के पास इतना टैलेंट नहीं होता, और मैं पूरा ट्राई करूंगा कि ये टैलेंट और भी अच्छा हो जाए। हाँ पापा, मैं भी पूरा ट्राई करूंगी कि ऐसे ही कुछ हो। फिर रिया ने दरवाजे की तरफ देखा और कहा, पापा हमारे रेस्टोरेंट में कोई आ क्यों नहीं रहा? क्या कोई हमारे रेनबो कबाब नहीं खाना चाहता? वो तो कितने डिलीशियस बने थे। क्योंकि उन्होंने अभी खाए नहीं है ना, उन्हें पता नहीं है कि रेनबो कबाब कितने टेस्टी होते हैं। तुम टेंशन मत लो, जल्दी हमारे रेस्टोरेंट के बाहर एक लंबी लाइन लगेगी इन लोगों की। प्रेम ने हल्के से स्माइल दी, लेकिन आज वो बहुत हेल्पलेस फील कर रहा था। उसे मालूम था कि 600 कॉपर के सिक्के में शायद ही उसके कोई कबाब खाए। ये नॉर्मल लोगों के हिसाब से बहुत कॉस्टली है। लोग इतने महंगे शाही कबाब बिल्कुल नहीं खाएंगे, क्योंकि उन्होंने पहले कभी कबाब खाए नहीं, और किसी नई डिश पर कोई इतना खर्चा नहीं करेगा। लेकिन इस गांव में बहुत पैसे वाले लोग हैं। यहां हर टाइप की स्पीशीज में बहुत रिच लोग हैं, जो या तो यहां घूमने आते हैं या यही घर लेकर लंबे टाइम तक रहते हैं। इस जगह में किसी के साथ कोई पार्शियलिटी नहीं होती, कोई भी किसी के भी साथ अपनी लाइफ स्पेंड कर सकता है। लोगों की शॉप्स में अलग अलग स्पीशीज के लोग काम करते हैं। अलग अलग स्पीशीज के लोगों की अलग अलग स्पीशीज से दोस्ती है। उनका एक दूसरे के शॉप्स और घरों में आना जाना बना रहता है। यहां लोगों के पास इतना पैसा है कि यहां पैसों से कुछ भी खरीदा जा सकता है। अगर हमारे पास बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं तो मैं भी आपकी हेल्प करूंगी पापा, रिया ने अपनी शाइनी आंखों से देखते हुए कहा। अच्छा तो रिया कैसे मदद करेगी मेरी शॉप में? प्रेम ने स्माइल करते हुए पूछा। मैं लोगों से पैसे कलेक्ट कर सकती हूं, मैंने अपनी टीचर सौम्या मैम से मैथ सीखी थी,
इसीलिए मुझे हिसाब करना बहुत अच्छे से आता है। मैं इस काम में अपनी मैजिक जितनी ही अच्छी हूं, रिया ने प्रेम को इंप्रेस करने के लिए कहा। सौम्या मैम, प्रेम ने महेंद्र प्रताप की यादों में झांक के सौम्या के बारे में देखा। वो गांव के पास एक स्कूल में पढ़ाती थी। ये स्कूल देवी मंदिर वाले लोग ही चलाते हैं। उसे याद आया कि सौम्या एक यंग लड़की है जिसे डार्क ग्रीन ड्रेस पहनना बहुत पसंद है। वो बाकी लोगों से बहुत रूखा बिहेव करती है, लेकिन उसका बिहेवियर बच्चों के सामने आकर बिल्कुल बदल जाता है। वो बच्चों के सामने आकर बिल्कुल काइंड और शांत हो जाती है और बच्चे उसे बहुत पसंद करते हैं। जब रिया के पास स्कूल की फीस भरने के पैसे नहीं थे तो उसे स्कूल में अलाउ नहीं किया जाता था। जब भी वो स्कूल जाती तो उसे क्लास के बाहर हाथ ऊपर करके खड़ा कर दिया जाता था। सौम्या को रिया बहुत पसंद थी। जब सौम्या पढ़ाने आती तो वो रिया को क्लास में अंदर बैठने देती और कभी कभी क्लास के बाद भी उसे पढ़ाने लगती। सौम्या रिया को थोड़ा थोड़ा खाने को देती रहती थी, इसीलिए महेंद्र प्रताप की यादों में उसका एक अच्छा इंप्रेशन था। हाँ पापा, अगर कस्टमर पे नहीं करेंगे तो मैं उनको एंग्री होकर दिखाऊंगी और उनको अपनी फायरबॉल से स्केयर करूंगी, रिया ने सर हिलाते हुए कहा। एंग्री होकर दिखाओगी? तुम्हें पता है एंग्री कैसे होते हैं, रिया ने कहा। हाँ पापा, मैंने हमारे घर के पास वाले बौने दादाजी को एंग्री होते देखा है। फिर उसने अपनी फेस्ट मुंह के सामने लाकर आंखें वाइड करते हुए बोला, अभी पे करो नहीं तो मैं तुम्हें पंच मार दूंगी। पापा, मेरा लुक एंग्री था ना, रिया ने पूरे एंटिसिपेशन के साथ पूछा। उसे लगा कि उसने ठीक से पोस्चर बनाया है। यार कितनी क्यूट है ये। प्रेम को अपनी बेटी को देखकर बहुत प्यार आ गया। रिया को देखते हुए उसने अपनी हंसी रोकी और कहा, हाँ तुम बहुत एंग्री दिख रही हो, तुमसे तो कोई भी स्केयर हो जाएगा और तुम ये काम बहुत अच्छे से कर लोगी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, रिया ने अपनी फेस्ट नीचे करते हुए हैप्पी होकर कहा। ठीक है पापा, तो आप पैसे कलेक्ट करने का काम मुझ पर छोड़ दीजिए। अब ये मेरा मिशन है कि मुझे लोगों से पैसे लेना है और मैं इस बात में श्योर हूं कि मैं ये काम बहुत अच्छे से करूंगी, प्रेम ने स्माइल करते हुए जवाब दिया। ठीक है, सो ये काम मैं तुमको देता हूं, और हाँ जब मेरे पास टाइम होगा तो मैं तुम्हें यह भी सिखाऊंगा कि और भी ज्यादा कैसे एंग्री दिखा जाता है। वो रिया को अच्छे से सिखाना चाहता था क्योंकि ये काम आसान नहीं था। कभी कभी कस्टमर इतनी छोटी बच्ची की बात नहीं मानते, वो शायद उसे डांट दे। इससे रिया का दिल दुख सकता था, उसे बुरा भी लग सकता था, इसीलिए उसे इस काम को और भी अच्छे से सीखना होगा। रिया ने प्रेम को कहानी सुनाने को कहा। प्रेम ने उसे कहानी सुनाना शुरू की। तो ये कहानी है एक नन्ही सी राजकुमारी की, रिया बहुत ध्यान से सुन रही थी। प्रेम ने उस कहानी में कुछ कुछ बातें अपने हिसाब से भी ऐड कर दी और उसे पूरी कहानी समझाई। कहानी के खत्म होते ही रिया ने अचानक एक डिफरेंट सा क्वेश्चन पूछा, पापा क्या सचमुच शाही पनीर इतना डिलीशियस होता है? हाँ बेटा, मेरे हिसाब से तो होता है, प्रेम ने जवाब दिया, लेकिन उसे थोड़ा अजीब भी लगा क्योंकि उसकी कहानी शाही पनीर के बारे में नहीं थी, फिर अचानक ऐसा सवाल क्यों? कहानी खत्म हो गई थी, वो दोनों बोर हो रहे थे और काउंटर पर टिके हुए थे। दोनों ने अपने हाथों पर अपनी चिन रखी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि दोनों की फीलिंग सिंक हो रही है। प्रेम को पहले से पता था कि स्टार्ट अच्छी नहीं होगी, लेकिन उसे ऐसा नहीं पता था कि एक भी इंसान उसके रेस्टोरेंट में नहीं आएगा। उसे ऐसी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं थी। बस दो राक्षसों के बच्चों ने उनके रेस्टोरेंट की विंडो की ग्लास से झांका था, इसके अलावा और किसी ने भी नहीं। जैसे ही दोपहर हुई, रिया ने प्रेम की तरफ देखा और बोला, पापा मुझे भूख लगी है। प्रेम उठा और बोला, ठीक है बेटा, मैं अभी लंच बनाकर लाता हूं, मैं फिर से तुम्हें रेनबो कबाब खिलाऊंगा, और वो ऐसा कहते हुए किचन में चला गया। वो आज बहुत हेल्पलेस फील कर रहा था, लेकिन वो खुद रेस्टोरेंट के बाहर जाकर चिल्ला चिल्लाकर कस्टमर तो नहीं बुला सकता था। उसे पता था कि ऐसा करने से उसके रेस्टोरेंट की इमेज खराब हो सकती है, इसीलिए वो बस वेट ही कर सकता था। कस्टमर्स के साथ कैसा एटीट्यूड रखना है ये प्रेम ने पहले ही सोच लिया था। वो पहले से ही जानता था कि किससे कैसा बिहेव करना चाहिए। वो अभी तक किसी भी चीज का ओनर नहीं था, लेकिन उसने बहुत से ओनर्स के बिहेवियर को देखा था। वो इतने होटल्स एंड रेस्टोरेंट में गया था कि उसे सब कुछ पता चल चुका था। उसे एक अच्छा यूजर एक्सपीरियंस था।
एक वार्म एटीट्यूड को देखकर लोगों को लगता है कि उनकी बहुत वैल्यू की जा रही है, लेकिन जिन्हें ज्यादा बोलने वाले लोग पसंद नहीं उनके साथ ऐसा नहीं होता। वो ज्यादा वार्म एटीट्यूड में अनकंफर्टेबल हो सकते हैं, और अगर बहुत रूखा और हल्का बिहेव किया तो ये भी कस्टमर्स पर बहुत नेगेटिव इंपैक्ट छोड़ता है। ज्यादा बोलना और कम बोलना, रेस्टोरेंट की फील्ड में ये दोनों ही बातें नहीं चलती। अभी रेस्टोरेंट को बस दो ही लोग मैनेज कर रहे हैं, रिया और मैं। अगर रिया ठीक से अपना काम कर पाती है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी हेल्प होगी। भाई पैसे कलेक्ट करना भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है, कस्टमर्स को रिसीव करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और पैसे कलेक्ट करना रिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी। सब कुल मिलाकर के अगर एक अच्छा यूजर एक्सपीरियंस देना है तो मुझे कस्टमर्स को काफी अच्छे से हैंडल करना पड़ेगा, और जैसी अभी रेस्टोरेंट की कंडीशन है उस हिसाब से बस मुझे तीन चीजों का ध्यान सबसे ज्यादा रखना है, काइंडनेस, डिस्टेंस और इक्वालिटी। प्रेम ने मन में सोचा, काइंडनेस सबसे बेसिक रिस्पेक्ट होगी जो कस्टमर को दिखनी चाहिए, इससे उन्हें खाना खाने के पहले बहुत अच्छा फील होगा। डिस्टेंस की बात करें तो इससे रेस्टोरेंट की एफिशिएंसी काफी बढ़ जाती है, क्योंकि बहुत से कस्टमर्स को ज्यादा क्लोज कॉन्वर्जेशन पसंद नहीं आते। अगर मैं डिस्टेंस रखते हुए बात करता हूं तो सभी लोग बहुत कंफर्टेबल रहेंगे, और इक्वालिटी इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि यहां अलग अलग स्पीशीज के लोग रहते हैं और सभी के साथ इक्वल बिहेव करना बहुत जरूरी है, चाहे वो कोई भी स्पीशीज हो। मेरी नजर में वो एक वैल्यूबल कस्टमर होगा, मैं सबके साथ एक जैसा बिहेव करूंगा। प्रेम ने अभी लंच के लिए शाही कबाब के इंग्रेडिएंट्स निकाले ही थे, इतने में ही डोर की छोटी छोटी बेल्स बजती हैं